तो जैन साथियों, आप लोग सामने फिर से नए वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं 1 से 2 दिन पहले वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब, 105 डिग्री प्लस बुखार थे। तो मैं ज़्यादा आप लोग को टाइम नहीं लूँगा, बस आप लोग से ये एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा, अगर नहीं देखोगे तो फिर आप लोग की जो भी आपके डाउट है वो क्लियर नहीं होंगे, आप बिल्कुल आप कन्फ्यूज़ में रहोगे। क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को CISF कांस्टेबल फायरमैन की जो कि आपके एग्जाम सेंटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं लेके जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और आपके वहाँ बिल्कुल फाइनली मैं आप लोगों को बताऊँ तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आपके मतलब कि निकाला तो वहाँ से नहीं जाएगा, आपको वहाँ के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करे, लेकिन आपकी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएंगी। तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करो या मत करो, उससे कोई लेना देना नहीं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो बड़ी बात कि आप लोग एग्ज़ाम आपकी 26 तारीख को 26 नवंबर आपके जो 26 सितंबर 2023 की आपकी एग्ज़ाम है। तो इससे पहले देखिए, मैं एग्ज़ाम में आपके 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम, आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपके एग्ज़ाम शिफ्ट 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो सभी को पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब रहेगी ये बात कि आपके एडमिट कार्ड का जो भी आपके जितने भी पेज है वो पेज को आप लोग को निकाल लेना है और उसमें जो भी आपके इंस्ट्रक्शन उसको फील नहीं करना, आपके सेंटर में जा के टाइम में वहाँ आपको बताया जाएगा तभी आपको करना, नहीं तो आपको बहुत ऐसा 30 मार खा होते हैं ना, तेज बहुत ऐसे चटकी होते हैं कि खुद से मतलब पहले ही घर पे फील करके चले जाते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सभी को बताऊँ, तो बिल्कुल उसको फील नहीं करना। एडमिट कार्ड में आपके जितने भी आपके पेजेस दिए गए हैं सभी पेज को आपके जाके A4 साइज में जो भी आपकी जेरॉक्स वाले दुकान पर आपको निकाल लेना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि आपको मिनिमम आपके 3 फोटो लेके जानी है। आपके फ़ोटो तो 2 ही लगेंगे, 1 ही लगेंगे, लेकिन आपके 3 फोटो लेके जाने हैं। अगर बाई चांस आपके CISF वाले अगर वहाँ गार्डिंग करती है तो CISF वाले अगर उनकी ड्यूटी रहेगी तो आपके फ़ोटो क्या है कि आपको वो 2 फोटो आपसे ले लेंगे, 1 फोटो ले लेंगे। तो उस चीज़ को आप लोग दिए, इसलिए अगर CISF वाले अगर गार्डिंग करते हैं तो जो आपके वैकेंसी टाइम में मेरा भारत महान जो लिखाया था, सभी मेरा भारत महान आपके फिजिकल में लिखाए होंगे, तो मेरा भारत महान फिर आपके यहाँ रनिंग के टाइम में लिखाए होंगे, उसके बाद फिर आपके हाइट वेट चेस्ट के टाइम में PST में लिखाए होंगे, PET आपके रनिंग हो गए, फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट आपके रनिंग होते हैं और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपके क्या होते हैं, हाइट वेट चेस्ट होते हैं। तो उसमें भी मेरा भारत महान लिखाया होगा कि नहीं, अगर लिखाया होगा तो कॉमेंट बॉक्स में यस बोलना आप लोग पक्का, वीडियो अगर देख रहे हो तो मेरा भारत महान। अगर CISF वाले की अगर वहाँ गार्डिंग होती है तो फिर वहाँ भी आपके एग्ज़ाम सेंटर पर भी मेरा भारत महान लिखाएंगे, आपके एग्ज़ाम सेंटर आपके ऑप्शन रहेंगे कि एग्जाम सेंटर आपके मेरा भारत महान। अगर CISF वाले की गार्डिंग रहेगी तो फिर आपसे वो फोटो मांग लें, तो मिनिमम आपके 3 फोटो होनी चाहिए। और उसके बाद फिर ID प्रूफ में बात की जाए तो आपके पास कोई भी एक ID प्रूफ मस्ट होनी चाहिए, लेकिन आधार कार्ड आपके पास होनी चाहिए। तो आधार कार्ड एक आपके पास ID प्रूफ हो गए, और नहीं तो फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास पैन कार्ड जो भी आपके होते हैं, वोटर कार्ड, लेकिन आपके पास डायरेक्ट आधार कार्ड मस्ट। अगर आपने फॉर्म फिल करते समय अगर आधार कार्ड दिए हैं और फिर अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेके चले जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और फॉर्म फिल करते समय आपके अगर ड्राइविंग लाइसेंस दिए हैं और आधार कार्ड अगर आप लेके चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आधार कार्ड अगर लेके चले फिल करते समय आप मेंशन किए एग्जाम मतलब कि ऑनलाइन करते समय और फिर आप वोटर कार्ड लेके जाते हैं तो फिर दिक्कत होगी। समझिए कि नहीं बात, वोटर कार्ड अगर फॉर्म फिल करते समय अगर ऑनलाइन करते समय अगर वोटर कार्ड मेंशन किए तो आधार कार्ड लेके चले जाएगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर आपको आधार कार्ड अगर ऑनलाइन करते समय आधार कार्ड डालें तो आधार कार्ड ही लेके जाना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपकी नेक्स्ट बात क्या रहेगी कि आपके 2 पेन आपको लेके जाना है, ब्लैक और आपके ब्लू, 2 में से कौन एक पेन लेके जाना। आपके ये तो नहीं है कि आपके पास मतलब कि ऑफलाइन एग्जाम नहीं कि आपको बॉल पेन लेके जाना है, कोई भी पेन, लेकिन मैं इस आपको ये एडवाइस देता हूँ कि रेड पेन नहीं लेके जाना है, ग्रीन पेन नहीं लेके जाना है। इसलिए नहीं लेके जाना कि आपकी जो नोट शीट जो आपके वो मतलब कि आपके रफ करने के लिए वो A4 साइज का नोट शीट मतलब जो भी आपके जीरोक्स वाले पेपर देते हैं, एक मिलते हैं मैक्सिमम, किसी को 2 मतलब अकॉर्डिंग टू यूज़ आपके 2 देते हैं। वो फिर क्या है ना कि वो जामा ले लेते हैं और उसमें देखते हैं रेड पे लेते हैं। इसीलिए मैं आप लोग ऑफिसर मत बनने की कोशिश कीजिएगा, ऑफिसर्स मत बनने की कोशिश कीजिएगा। रेड पेन और फिर आपके जो भी आपके ग्रीन पेन मत लेके जाइएगा, इसलिए ब्लू और ब्लैक में से एक पेन हो गए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और जिन कैंडिडेट्स का आपके फादर्स नेम गलत है, जिन कैंडिडेट्स का आपके मदर्स नेम गलत है, जिन कैंडिडेट्स का एड्रेस में कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है, जिन कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ में कुछ तरह का डॉट है मतलब गलत है, जिन कैंडिडेट्स का नाम में सरनेम में मतलब मिसिंग है, वो कैंडिडेट्स एक अंडरटेकिंग लिखें कि मैं रोल नंबर इतना, मेरा एग्ज़ाम सीआईएसएफ फायरमैन का इस डेट में था या है, ठीक है, जो भी सीआईएसएफ फायरमैन के इस डेट में एग्ज़ाम है और मेरा इसमें नाम में त्रुटि पाया गया, तो फिर मेरा फादर्स नेम में त्रुटि पाया गया, मेरा डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि पाया गया, कृपया आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा नाम को सही किया जाए। उसके साथ आपके क्या है कि फॉर्म ऑनलाइन करते समय का आपके जीरोक्स सीआईएसएफ के वेबसाइट पे मिल जाएगी, नहीं तो फिर आपके आधार कार्ड उसके साथ लगा दो। लेकिन फॉर्म ऑनलाइन करते समय इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो टैली करेगा कि फॉर्म फिल करते समय इसका करेक्ट है कि नहीं है। अगर फॉर्म फिल करते समय वाला अगर करेक्ट रहेगा तभी वो सुधारेगा, अगर नहीं, अगर जब स्टार्टिंग से ही अगर आपकी गलत है तो फिर कुछ और प्रोसेस होगी। लेकिन आप ऑनलाइन जो किए थे उसको निकलवा के उसके साथ लगाना है। फॉर एग्जांपल आके रोहित एक कैंडिडेट से, उसका आपके डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो लिखेगा कि मैं रोहित कुमार, मतलब जो भी आपके, तो पहले आपके एप्लीकेशन तौर पर लिखा था कि सेवा में जो भी आपके भर्ती बोर्ड आपकी जो, मैं रोहित कुमार, विषय आपके डेट ऑफ बर्थ गलत करेक्शन सुधार के संबंध में, मैं रोहित कुमार, मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है, मैं इस टाइम के एग्ज़ाम देना, जो कि मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना मेंशन कर दिया गया है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ को सही किया जाए या तो सुधार किया जाए, उसके साथ लगा देना इतना, तो कोई डाउट। उसके बाद मैं एक बात आप लोग को ये बताता हूँ कि जो आपके A4 साइज की रफ वाला पेपर मिलेंगे उसमें आपको प्रॉपर मतलब सोल्व करने से पहले इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बस 2 से 3 सेकंड लगेंगे, आप नाम और रोल नंबर उस पर लिख दीजिएगा। वो चीज़ क्या है कि आपके चेक होते हैं, नाम और रोल नंबर आप लिख दीजिएगा और वो चीज़ आपको चेक होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दें। और जो भी कैंडिडेट्स आपके फिंगरप्रिंट आपके बिल्कुल सेफ, मतलब जो एग्ज़ाम के फिजिकल के टाइम पे जो फिंगरप्रिंट आपके लगे थे वही फिंगरप्रिंट आपको दिमाग में रखना, ना कि आपके फिंगरप्रिंट फिजिकल के टाइम पे लगे थे लेफ्ट हैंड और फिर आप दिखा रहे हो जो भी आपके राइट हैंड दिखा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है, लगे थे लेफ्ट और दिखा रहे राइट, तो लेफ्ट लगे थे तो आपको लेफ्ट हैंड ही दिखाना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें, लेफ्ट हैंड ही दिखाना और फिर आप उस चीज़ को ध्यान रखें। और किसी तरह का जिनका फिंगर वगैरह में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कुछ वगैरह जेल उनके पास होता है अवेलेबल, लेकिन आप भी वैसलिन वगैरह जो ले जाके आप वहाँ से मतलब फिंगरप्रिंट को मतलब कि आप ईजिली आप स्कैन आपकी हो जाएगी। तो यहाँ तक हो गई आपकी, मैंने सारा बता दिया कि एक आईडी प्रूफ फ़ोटो मस्ट होनी चाहिए, उसके साथ ये सब, ये कोई मैटर नहीं करता कि आपके डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक का मार्कशीट, ये सब कुछ नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब कुछ नहीं लेके जाना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सब नहीं लेके जाना। लेकिन हाँ, एक आईडी प्रूफ, फ़ोटो और जो मैंने ये बताया एप्लीकेशन जो आपके करेक्शन है, ये सब आपको लेके जाना। एक बात हाँ, आप लोग एग्जाम में जाते समय आप लोग किसी तरह का रिंग वगैरह होता है, क्लॉक वगैरह होता है, कोशिश करें कि आप नहीं जाए पहन के, इसलिए क्योंकि देखिए वो सेंटर के बाहर खुलवा के ऐसे पेड़ पे फेंकवाते रहेंगे तो क्या मतलब क्या रह गया, फिर बेल्ट हो गए जो गला में पहन रखे, ये सब चीज़ आप लोग को लेके नहीं जाना है। अब एग्जाम सेंटर है, कितने कैंडिडेट्स का मतलब कि वहाँ आप वो हैंड ओवर किसको किसको कीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोन लेके गए हैं तो फ़ोन आपके मानते हैं कि मिनिमम आपको फ़ोन, आप वॉच पहन के गए हैं, हाथ में आपके कोई किसी तरह का अंगूठी वगैरह की निकाल रहता है, बहुत से ऐसे 30 में शौकीन पहनने के लिए, गला में भी पहनने वाले बहुत से होते हैं, भगवान का फ़ोटो वगैरह, ये जो भी आपके छोटी और रिंग गला में जिसको काड़ा बोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग इसको मतलब बोलते हैं। फिर कमर में भी बहुत कोई पहनते हैं, तो उसमें भी मतलब जो भी आपके ठोस आयरन का जो भी आपके, कहने का मतलब है कि वो धातु ही रहते हैं, तो वो सब चीज़ आप लोग को पहन कर नहीं जानी है, ये चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ। ईजिली आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी आप गॉड किसी को मानते हैं, दुर्गा भगवान, माँ काली, बजरंगबली, जिनको भी आप मानते हैं, राधे राधे, जैसे किसी भी उनका अगर फोटो का आपको खुलवा के किसी जगह पे फेंकवाएगा तो अच्छा है, ये बताइए। आप मम्मी पापा को ही अगर आप भगवान मानते हो तो मम्मी पापा को अगर आपके सामने अगर कोई मारेगा तो अच्छा लगेगा, फॉर एग्जांपल, समझने की बात है, अच्छा लगेगा आपको, कुछ तो जरूर आप एक्शन लीजिएगा। तो इसीलिए अब वहाँ आपकी नौकरी के चक्कर में ये नहीं कि आपके भगवान के फोटो को फेंकने चल रहे, इस चीज़ को नहीं, इसलिए बढ़िया कि आप पहन के नहीं, एक दिन से थोड़ा नहीं पहनोगे तो भगवान रूठ जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं, प्रॉपर आप सुबह में आपके एग्जाम है तो प्रॉपर अच्छे ढंग से एक दिन पहले पूजा कर ले, तो सुबह में अगर आपके पास टाइम है तो सुबह में भी पूजा कर ले, कोई दिक्कत नहीं, भगवान थोड़े रूठ जाएंगे। एग्ज़ाम दे करके आप तो भी पूजा कर लेंगे तो फिर। और एक चीज़, हाँ, एग्ज़ाम में कैसे मतलब कैसे आपको क्वेश्चन को हैंडल करना, कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए गौर से। मैं 1 मिनट आपके 2 मिनट और लूँगा। सबसे पहले देखिए, आपको मैं बताऊँ कि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन जैसे आपको बोलेंगे, सारा इंस्ट्रक्शन सारा वगैरह सब आपके रजिस्ट्रेशन नंबर सारा आपको फ़ोटो शो कर जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आप हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं, आप सीरियल नंबर से। बहुत से कैंडिडेट्स क्या है, अपना अपना कॉन्फिडेंस सबका अलग अलग होता है, लेकिन मैं आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाता हूँ कि सीरियल नंबर से आपके सभी क्वेश्चन को देखते चलना है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बनाते चलना है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बताते चला, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, 1 से लेकर 100 तक आपको। और ना ही बीच में मैथ है वो मिल गया, वो सोल्व नहीं हो रहा, आप भी 30 मार्क खा के नहीं, जब तक ये सोल्व नहीं होगा जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। एक क्वेश्चन में आप 5 मिनट टाइम दे दिए, 4-6 मिनट टाइम दे दिए, फिर भी सोल्व कर रहे हैं। फिर ऐसा ऑनलाइन में होता है भैया, सोल्व करते जा रहा उसी में टाइम चला जाता। तो 10 मिनट को ऐसे बिल्कुल नहीं करना, नहीं सोल्व करो उसको आगे बढ़ जाओ एक बार में। चलो फिर सेकंड बार में फिर से 1 से शुरू करो। जैसे 1 से 10 तक आपने क्वेश्चन सोल्व किया, तो फिर 10 के बाद देखो कि कौन कौन क्वेश्चन लास्ट में, फिर आपको पता चल जाएगी कौन कौन क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया। और नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो उस पर देखो, फिर उस पर फोकस करो, थोड़ा सा ऑप्शन निगलेक्ट करने की कोशिश करो कि हाँ इसका यही आंसर होनी चाहिए, फिर उस पर क्लिक कर दो। तो एक बार में आपको सारा क्वेश्चन स्टार्टिंग से 100 तक देखते जाना है, और जो सोल्व नहीं होगा उसको, जो आ रहा है उसको सोल्व करते जाना, जो आ रहा है सोल्व करो। आप टाइम किसी पर ज़्यादा देना नहीं है, जो कॉन्फिडेंस की बिल्कुल सही है तो उसको लगाना। फिर सेकेंड बार में जो क्वेश्चन आपसे छूटा, जो नहीं हुआ, उसको टाइम दो, ठीक है, उस पर टाइम दो। और फिर उस पर टाइम देने के बाद उसमें से भी आपके जैसे 10 क्वेश्चन आपके छूटे हैं, एक बार में 100 क्वेश्चन में, एक बार में 30 क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट बनाए। फिर सेकंड बार में आपके क्या है ना कि फिर से 20 क्वेश्चन आप करेक्ट बना दोगे, 50 क्वेश्चन हो गया करेक्ट। फिर थर्ड बार में फिर आप 10 क्वेश्चन बना दोगे, मेरी गारंटी है। तो 50-10-60 हो गए। फिर फोर्थ बार में आपकी क्या है कि फिर बना दो तो 60-10-70 हो जाए, फिर आपके टाइम ओवर हो जाएंगे। तो इतना तक आपके मतलब कि मैं आपको कॉन्फिडेंस बताता हूँ। तो सेकंड बार भी वैसे करना है, जो क्वेश्चन आपके आएंगे थोड़ी थोड़ी टाइम देके और ऑप्शन निगलेक्ट करके उसको मार दो। तो फिर कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन हमें बताओ। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आप लोग को मैं बिल्कुल दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग लकी पर्सन है कि आप लोग की सिलेक्शन इस वैकेंसी में होने वाली है। तो बस आप लोग को आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आप लोग की अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप लोग को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें कमेंट्स करें, और इस चैनल पर नए हैं तो बताने की जरूरत नहीं, सब्सक्राइब करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।